पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का सामना कर रहे देश के नागरिकों को केंद्र सरकार ने शनिवार को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हम पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क को 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए कम कर रहे हैं। इससे पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल का भाव में 7 रुपए प्रति लीटर तक कम हो जाएगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 200 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे हमारी माताओं और बहनों को मदद मिलेगी। प्लास्टिक उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी भी घटाई जा रही है। सीतारमण ने कहा कि हम उन प्लास्टिक उत्पादों के लिए कच्चे माल पर भी कस्टम ड्यूटी कम कर रहे हैं जहाँ हमारी आयात निर्भरता ज्यादा है। स्टील के कुछ कच्चे माल पर भी आयात शुल्क को घटाया जाएगा। कुछ स्टील उत्पादों पर निर्यात शुल्क लगाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सीमेंट की उपलब्धता को बेहतर करने के लिए मानक अमल में लाए जा रहे हैं और सीमेंट की कीमत कम करने के लिए बेहतर लॉजिस्टिक का सहारा भी लिया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के कुछ ऐसे दाम रहे थे। शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 105.41 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 96.67 रुपए प्रति लीटर रहे। तो वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 115.51 रुपए डीजल की और 105.77 रुपए प्रति लीटर रही। तो वहीं कोलकाता में भी पेट्रोल का भाव 115.12 रुपए और डीजल की कीमत 99.83 रुपए प्रति लीटर रही। तो वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल का दाम 110.85 रुपए प्रति लीटर और डीजल 100.94 रुपए प्रति लीटर के भाव से बिका था।